व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इनदर रिएक्शन वीडियो। फ्लाइंग बीच जो अपने गौरव भाई हैं वो गए थे जॉन अब्राहम से मिलने के लिए। तो वीडियो का टाइटल है जॉन अब्राहम शोज हिज बाइक कलेक्शन। मजा आने वाले इस ब्लॉग के अंदर। 18 मिनट का ब्लॉग है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और देख रहे हो, एक बॉडी बिल्डर जब दूसरे बॉडी बिल्डर से मिलता है तो भाई साहब मजा आ जाएगा। मैंने वो रील भी देखी थी, वो 56 इंच का सीन है, इंच का डूला चाहिए। तो साथ में एंजॉय करते हैं बहुत। आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन आने के लिए। और भाई फ्लाइंग बिश भाई के तो वैसे ही सारे ब्लॉग ही गजब होते हैं। फ्लाइंग बिश कैमरा में गौरव भाई के और फ्लाइंग बिश चैनल अमेजिंग यार, मेरे फेवरेट ब्लॉगर। तो साथ में एंजॉय करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। और बताना कि आपको इस बाइक कलेक्शन में सबसे फेवरेट बाइक आपकी कौन सी थी यार, और कैसा लगा ब्लॉग। 1 2 3 तैयारी हो रही है जाने की। काम पूरा खाली करना पड़ता है, लेकिन ये मैं सामान ले जा रहा हूँ क्योंकि कल रात को था कि स्पॉन्सर के हेलमेट पे शायद सेना ना लगाओ, अपने में ये लगा हुआ सेना था कि हम क्रॉस टॉक कर सकें। अगर सेना उनका ना भी हो पाया तो हम कुछ जुगाड़ तो हम बना लेंगे। प्रोमोटर ब्लॉगिंग की बड़ा घर से ब्रेकफास्ट बनवा के लाता हूँ। ब्रेकफास्ट चेक इन बैग में चला गया, चेक इन बैग में ब्रेकफास्ट चला गया। ब्रेकफास्ट उसके अंदर चला गया, चेक इन वाले फ्लाइट पे। वो हमारे बहुत ही प्रिय मित्र थे, हमने कमांड साथ में की थी। चालू हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे खड़े होना सबसे बड़ी बेवकूफी क्योंकि आपके सामने आ रहा है, लेकिन पूरा 360 काट के आएगा, फिर यहाँ पे खड़े रहेंगे। ये तो है मन्नत है ना। अच्छा कल मेल मिल गया। अरे 3-star होटल, लेकिन एक बहुत खराब काम हो गया है। दिस शू आई ब्रॉट बिकॉज ये बाइक पे राइड करते हुए अच्छा लगेगा, बट सडनली दिस स्टार्टेड गिविंग मी अ शू बाइट। वो शू बाइट होता है ना पीछे कटने लग जाता है। रूम हमारा रूम ऐसे, ये वाला बुक नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट की क्विक रूम टूर। दिस इज द एंट्रेंस, ये बात है कि दिस इज आल्सो द एग्जिट। इसे खोलेंगे तो वाओ दिस इज नाइस, द बेडिंग एरिया इज नाइस। ये हम कभी यूज नहीं करते, होटल द रेगुलर थिंग है। स्नान घर, ये बॉम्बिंग एरिया। तो अच्छा स्नान घर ऐसे करके बॉम्ब गिराएंगे, फिर बॉम्ब के ऊपर पानी डालेंगे इसके अंदर, छुप जाएगी इसके अंदर। ये है, ये है, बाकी बस सब इस रूम में जो भी है वो व्यू ही है। ये क्या है? ओ रेफ्रिजरेटर, क्या स्टाइल का रेफ्रिजरेटर भाई, स्टाइलिश है ना अलमीरा की। ये है गदर व्यू, फुल फेसिंग सी व्यू। और उधर है मन्नत जहाँ भीड़ लगी हुई, एक बार जाते दोबारा देखेंगे। मन्नत और सारे की बात होगी तो मुझे श्योर है कुछ लोग बोलेंगे भाई आपका ओपिनियन क्या है। मेरा ओपिनियन वही है कि भाई कोर्ट इज द बेस्ट जज, इसलिए इसको जज बोलते हैं। तो कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स होते हैं, हमारे सामने बिल्कुल फैक्ट नहीं होते। हमारे सामने वही फैक्ट्स होते हैं जो मीडिया में दिखाना चाहती है, जो कि हाफ बेक्ड फैक्ट्स होते हैं। हाँ। मैंने कल भी पेगासस वाला ऑर्डर पढ़ा था जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें जो ऑर्डर में लिखा मीडिया में बिल्कुल अलग ही चीजों पर बात चल रही है, जो मेन इश्यू में बात नहीं चल रही। तो आई थिंक जब जज को लगा कि बेल नहीं देनी चाहिए तो उसने नहीं दी, जब उसके पास प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर दलील आए होंगी तब उसने दे दी होगी। तो आई थिंक हमें जो जज कह रहा है मान के चलना चाहिए कि भाई ही इज द बेस्ट पर्सन टू मेक अ जजमेंट। बिल्कुल बात है, ये तो बात सही है। जब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर जज से गलती हो जाए, हाँ ऐसा होता है तो हायरार्की है, अगर बोले सुप्रीम कोर्ट की जज से गलती हो जाए तो उसमें भी है, लेकिन फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डेमोक्रेसी में द बक स्टॉप्स एट ताकि शू बैठ ना हो सुपर डुपर। अच्छा ट्राई कर रहे हैं बिकॉज़ अच्छा आपको बताया ना, जॉन सर के साथ एक वर्कआउट भी कर रहे हैं। वर्कआउट का वीडियो हमारे फिट मसल टीवी पे आएगा और बाइक वाला मोटर ब्लॉगिंग यहाँ पे करेंगे। भाई साहब जिस मूवी देखने गए थे स्कूल टाइम में, मतलब देखने कुछ हो गए थे लेकिन प्यार जॉन सर के जिस्म से हो गया था। क्या गाना था, प्रोडक्शन वाला हाउस वाला ऑफिस है तो उनके भी ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है थोड़ा आगे थोड़ा आगे। हाँ ये ऑलमोस्ट पहुंच ही गए और मैं इतना ज्यादा नर्वस आ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मैं क्या ही बात करूंगा सर से। मतलब जैसे नहीं था कि तो हम लोग अभी आ चुके हैं जॉन सर के ऑफिस के बाहर। हाय 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 हाय। अच्छा यहीं पे वो काम करते हैं जॉन्स बाइक कलेक्शन। ओ भाई क्या कलेक्शन, पार्किंग मुझे लगा पार्किंग है गजब। और चलो हाय सर हाउ आर यू,
अच्छा लगा आपसे मिलके बात आपकी फिल्म आई थी जिसम कॉलेज या स्कूल में थे शायद बट मतलब हम देखने गए थे कुछ और लेकिन लोगों ने आपका जिसम देखा था उसमें खुशी रोने लगी हमारे जिम में सर फोर्स ही चलती थी फोर्स देख के मतलब अभी मैं 82 किलोस के तो 90s में थे लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो कायम है वो ठीक है लेग्स है जो हमारे इंडस्ट्री में हमेशा बोलता हूँ कि हमारी जो अपर बॉडीज होती है बहुत अच्छी होती है बट वेरी फ्यू ऑफ अस वर्कआउट ऑन द लेग्स यहाँ पे विकी डोनर मद्रास कैफे परमानु हाउस कितना फंकी सा देखा परमानु के बाद मेरा जो एक कलीग था उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था दिस इज फायर इन डिफेंस ऑफ इंडिया इन कारगिल इन 1999 आई एम इन लव विद मोर देन लव विद इंडिया इन माय हाउस मेरे घर के अंदर बॉर्डर के अंदर आई हैव द इंडियन फ्लैग सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट जॉन सर ने काफी कुछ जान लिया अपने बारे में मतलब चैनल वैनल के बारे में बहुत कुछ इन्होंने देख लिया सो ग्रेट My babies, मेरे सारे बच्चे तो अपनी सारी बाइक्स आप ऑफिस में रखते हैं घर पे सारे ऑफिस में रखता हूँ कि घर पे मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ और वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड पार्किंग है ओ अच्छा पार्किंग और वहाँ पे नेबर्स को काफी देर ओके लेकिन तो बाइक का शौक मतलब शुरू से था। I love motorcycles, तो आपने भी कहा था कि पापा ने आपको बोला कभी ऐसा कि बेटा 12th पास कर ले फिर दिलाऊंगा बाइक और मम्मी दोनों ने कहा मुझे कि पढ़ाई करना बेटा पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है लाइफ में और मैंने कहा नहीं यार ये पढ़ाई बट आई स्टडीड तो मैंने बीए ऑनर्स किया उसके बाद मैंने एमबीए करा आई स्टूड 7th इन यूनिवर्सिटी उसके बाद मैं काम पे लग गया मेरा जो पहला जॉब था वो 6,500 रुपीज अ मंथ का रहा उसके बाद रेज मिला 13,500 रुपीज उसके बाद 99 में मॉडलिंग कॉम्पिटिशन था ग्लैडरैक्स बाय चांस में फ्रॉम देयर वी ऑल नो योर जर्नी I love motorcycles so I clear like racing bikes वो cruiser वाली आप नहीं चलाते cruiser वाली एक ही है मेरे पास Yamaha Vmax okay okay I'll take you outside हाँ ठीक है we can see it outside but this is my office थोड़े बहुत helmets यहाँ पे रखता हूँ मैं और सारे helmets actually घर पे तो जैसे लोग कपड़े पहनते हैं ना बाहर जाने के लिए हाँ मेरे पास helmets है जब 12th में था तो मैंने कहा पापा से पापा दिला दो कहते बेटा अच्छे 80% लिया 80% दिला दूंगा फिर हो गया 80% हाँ फिर पापा ने कहा कि आईआईटी निकाले फिर दिला दूंगा फिर आईआईटी में के लिए खड़गपुर जाना पड़ा कहता खड़गपुर में क्या करेगा वापस आ जाता तब दिलाऊंगा फिर वापस आके पायलट बन गया कहता तो जहाज चलाता अब क्या करेगा बाइक का अब तो जहाज चलाता मतलब जैसे मैंने बोला कि आपका गिवन दिस लॉ एग्जाम तो अगर मेरा हुआ था कॉलेज में तो प्लान है कि मैं फिर बाइक से कॉलेज जाऊं अरे सर दिस इज द 60th एनिवर्सरी स्पेशल यामा वीमैक्स ये 1700 सीसी की बाइक है ओह बहुत ही स्पेशल है
गाड़ी में भी नहीं होता इतना सीसी का क्रूज होगी तो कार का इंजन भारी है। हाँ बहुत ही पावरफुल है ये मोटरसाइकिल, बहुत ही टॉर्क जिसे बोलते हैं ना इसका टॉर्क, कावासाकी निंजा ZX14 है, 1400 सीसी की बाइक है, बहुत ही कंफर्टेबल है। जब भी हम राउंड पे जाएंगे आई गिव यू वन, आई विल राइड वन, बट दे देख के हैवी लगती है, मतलब इफ यू गेट डिसबैलेंस तो गिरती हुई नहीं, डिसबैलेंस हो ही नहीं सकते। अच्छा ये बहुत ही स्टेबल है, डिसबैलेंस कुछ नहीं बैलेंस RS34 आ रहा है आपका, ये फायरिंग सुनना है आपको। हाँ 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 एक बार लिसन टू द फायरिंग, यू विल अंडरस्टैंड। आवाज मस्त है ना, आ जा जरा जा यस पर। ये डुकाटी है, ये बहुत ही स्पेशल है, इसका जो डुकाटी कलर देख रहा है एकदम, और डुकाटी में आवाज बहुत सेक्सी है ना गाड़ी अंदर। सबसे ज्यादा कौन सी बाइक आप राइड करते हैं? मुझे सारे बाइक्स पसंद है लेकिन कंफर्ट वाइज मुझे वो 1700 cc की बाइक पहले येलो वाली और ये दूसरी वाली टूरिंग बाइक्स है। वैसे ट्रैफिक में इरिटेशन नहीं होता क्या? जगह ही नहीं है, कहाँ चलाऊं 1400 cc का? टायर्स में हम लोग शैम्पू करते हैं, शैम्पू और बहुत ही कूल तरीके से दोनों ने इंटरेक्ट किया, मतलब बहुत मस्ती है, दोस्ती यारी मिलती है, जैसे पहले से ही बहुत जानते हैं, जैसे पहले से ही दोस्ती आ रही है, बिल्कुल वैसे ही इंटरेक्शन पूरा अच्छा अच्छा कुछ साफ रखता हूं। ओके ओके साफ करते रहता हूं वैसे। सो दिस आपकी न्यू मूवी आ रही है ना 7 में, November 25th। ज्यादातर पहले पेस्केटेरियन था, पेस्केटेरियन का मतलब मैं फिश और एग्स भी खाता था। ओके राइट नाउ आई एम ईटिंग ओनली एग्स, वो भी शायद दिसंबर तक या जैन तक, होपफुली इफ आई कैन स्टॉप इट। स्ट्रे डॉग्स को उन लोग मारते हैं। गौरव यू आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा तुमसे कि थ्रू योर माओ भी है तुम्हारे घर में, यू नो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू टेल पीपल नॉट टू बी क्रूअल। क्या फ़ायदा, मतलब जानवर आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है, आप खिलाना नहीं चाहते हो मत खिलाओ, नफरत करते हो नफरत करो, नफरत करो, मारने की क्या जरूरत, मारने की फिजिकल यूनिवर्स वैसे मत करो। कुत्ता कभी भौंकता है जब भी आप कुछ बोल रहे हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव ओल्ड पीपल, मैं ओल्ड एज होम्स के लिए मैं काफी कुछ करता हूँ। ऐसे ही जानवरों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत सही, कोई यहाँ पे नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं है। आई फील ह्यूमैनिटी जो है वो अभी मार खा रही है। आई फील देयर आर पीपल लाइक यू हु आर वेरी बिग इन्फ्लुएंसर्स, आई एम अ फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच। मेरे को तब से आप लग रहा है कि आप जॉन सर के सामने बैठो, आप कह रहे हो इन्फ्लुएंसर, मैं तो सीरियसली आई फील वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ यू। आई सी योर चैनल, आई सी कि आप इतने अकॉम्प्लिश्ड हो, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूं, मैं नॉट टॉकिंग फॉर द वीडियो, आई एम टेलिंग यू, आपने आईआईटी खड़गपुर में एजुकेशन किया है, सो इट्स डिफिकल्ट टू गेट टू आईआईटी, मतलब इट्स नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट होता है आईआईटी में जाना। यू आर अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, यू आर अ पायलट एंड नाउ यू आर डूइंग लॉ, यू आर स्टडीइंग लॉ, सो यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स दैट आर सो क्रेडिबल, सो आई थिंक पीपल विल लिसन टू यू When you honestly tell them, अगर आप उनको बोलोगे कि शायद जो जॉन ने कहा है वो सही है, अगर आप खिला सको तो खिलाओ, अगर आप खिला भी नहीं चाहते हो मत खिलाओ, मारना मत, करेक्ट हंटिंग जो होता है शिकार, क्या मतलब आप कितने ब्रेव हो सकते हो, मे बी आई एम रॉन्ग बट आई थिंक देयर एनिमल लवर्स, तो ये जो हमारे लॉज है उनको चेंज करना चाहिए, जो PCA प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1950 का कितना है वो 50 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया क्रुएल्टी फाइन, 20 रुपया क्रुएल्टी पे फाइन। जस्ट टॉकिंग टू सर, कह रहे कि मैं स्मोक नहीं करता ना, एक्चुअली आई थॉट सॉरी बट आई थॉट यू स्मोक, बिकॉज़ वो जिस मूवी में इतना आपने वो फिर बीच में अल्ताफ राजा, एंडिंग हमेशा आवारापन बन जा रहा है, गम वाला गाना है ना, गम वाला सर, चार पैक के बाद आवारापन बन जा रहा चलता ही था, मैं और जीवी को बहुत सुनते थे, मेरे करियर का फेवरेट गाना है आवारापन, मतलब हमारे कल में ऐसे ऐसे लोग थे कि आपने वो गाना चला दिया
तो खंबा खत्म पटाखे फट रहे हैं ना तो ये बेचारे डर रहा है सर। जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं भी थी या ब्रेकअप नहीं हुआ था वो सोचता था कि मेरी अगर गर्लफ्रेंड होती और ब्रेकअप होता तो मैं इस सॉन्ग पे ऐसे रोता कि जैसे जॉन लेनन। कौन सा जो आप शावर मार के नीचे करके वो भाई बाल्टी मंगे में नहाने वाला बंदा भी शावर लगवाया उसके घर में रोने के लिए। वो बहुत अमेजिंग था वो बहुत। हाँ तो मतलब मैं कह रहा था कि जॉन सर इज सेइंग कि ही नेवर स्मोक तो आई वाज लाइक कि फिल्म्स में आप करते हो तो मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि आप करते हो। इट्स हॉरिफिक है ना हॉरिफिक। जब ये फिल्म्स मैंने एक फिल्म करी थी नो स्मोकिंग। हां नो स्मोकिंग थी और उसमें आई सो आई मीन उस टाइम पे वो जो फेक सिगरेट्स थे आई डिडंट डू फेक सिगरेट्स सो असली सिगरेट्स थे आई सो स्मोक। और जब ही मुझे पता नहीं था कि फिल्म्स में कंटिन्यूटी मतलब एक शॉट के बाद आपको कंटिन्यू करना है शॉट वो तो उतनी ही जारी होनी चाहिए काट के उन लोग लगाते थे। और अगर आप जो स्मोकर है उनको पता चलेगा व्हेन यू स्मोक दैट जो यहाँ पे बोलते काट कभी भी नहीं चाहिए। स्मोकिंग इज द मतलब घटिया चीज है। साल में एक बार थोड़ा शैंपेन पी लेता हूँ लेकिन आई डोंट टच अल्कोहल एट ऑल लाइफ में कभी। आप तो संत आदमी है। नॉनवेज नहीं खाते आप छुट्टा नहीं दारू नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मतलब हमें ऐसा लगता है मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में तो चलता ही होगा लेकिन मैं पार्टीज में भी नहीं जाता हूँ। नहीं जाते पार्टीज में ये अच्छे बुरे नहीं है लेकिन आई डोंट गो। मैं शायद अलग किस्म का आदमी हूँ। अगर आप मुझे मोटरसाइकिल दो मैं मोटरसाइकिल साफ करूंगा। एक्शन में मैं रोल कर सकता हूँ जंप कर सकता हूँ। 365 डेज ऑफ द ईयर मैं सब 9% हूँ। Fat percentage is sub 9%, so I'm very happy. Mm-hmm. I'm at about 7-8, so there's enough definition also. Not like you. नहीं मेरी not like you. But एक चीज़ I want to confess मुझे ऐसा लगा मतलब मेरे को लगा कि यार मैं going to meet a Bollywood star. मैं थोड़ा सा nervous था वैसा लेकिन पहले आते ही आपने इतना comfortable कर दिया ना. Yeah because I never thought कि when I meet a Bollywood celebrity मेरे को मतलब मुझे भी डर ऐसा मैं ऐसे बैठा रहूँगा और मतलब ऐसे बात करूँगा आपसे। नहीं मुझे भी डर लगता है। I swear on you Gaurav. आपको कैसे डर लगता है? क्योंकि जब भी some of them meet me they're like what's up man तो मुझे वो जो मतलब एक होता है कि एक एक्टर bonding baggage के साथ आता है not all actors and you get डर लगता है थोड़ा कि मैं उसके साथ उसके सामने कैसे खड़े रहूँ। तो मैं भी क्योंकि शायद मेरी अपब्रिंगिंग काफी मिडिल क्लास हुई तो वो सोच अभी भी मेरे सर ऐसा होता है ना कि अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी अपब्रिंगिंग मिडिल क्लास है फिर आप चाहे एंड में मतलब लाइफ में कितना भी आगे चले जाओ वो रहता है आपके अंदर ना एंड व्हेन यू मीट अ पर्सन विद सिमिलर बैकग्राउंड आप कनेक्ट बहुत अच्छा करते हो। ये देखो ना करेक्ट चप्पल इसके आगे कुछ पहनता ही नहीं हूं मैं। दिखाना प्लीज। वाओ यू ऑलवेज स्टे दिस लीन दिस ऑलवेज सो दिस इज 24/7 आई एम अबाउट आई वांट टू स्टे दिस लीन नाउ सो बी फॉर जैसे मैं हां ऐसा होना चाहिए। कार्डियो करते हो? जेनेटिक्स भी होते हैं। कार्डियो नहीं करते? बिना कार्डियो क्या करते? विदाउट कार्डियो माय मैक्रोस आर फैंटास्टिक। तो मेरे जो मैक्रोस मैं आपसे वही तो कह रहा हूं प्लीज शेयर करो ना प्लीज। That's my producer, Munisha Advani. Okay. That's Munisha. Hi. I'm almost as big a fan of yours as I am of his. And congratulations on your new baby. Hi. Madhu, our partners in. Nice to meet you, Madhu. Nikhil Advani, my director of Bartla House. Ha 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 ha. Munisha's Nikhil's sister. Okay. Yeah. And Munisha, Madhu and Nikhil are MA Entertainment. They are a fan of his. We are in that photo. Ha. This is the हमारे सत्यमेव जयते 2 के डायरेक्टर है वो कहाँ है मिलाप जवेरी जो ऐसा गॉट अस होम कुक फूड तो वे ट्राइंग टू फिगर आउट कि GoPro कैसे कुक करेंगे डिड सम मोटर व्लॉगिंग विद हिम ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई वाओ लेट्स कीप इट फॉर द नेक्स्ट वन बड़ा मजा आएगा सही में थैंक्स फॉर वाचिंग इट्स स्वीट यार। हां ये एक अचीवमेंट नहीं कहेंगे कि वो जॉनी ब्रेंस से मिले ये बोलेंगे इनका हार्ड वर्क है ये हाँ। उस लेवल पे पहुंचे कि आज ये खुद हाँ। एक इतनी बड़ी हस्ती है कि आज बड़ी-बड़ी हस्तियां इनसे मिलते हैं टीम जो है हाँ। वो खुद बोल रही है इनकी फैन है तो ये इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट इट इज अ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क द डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क फ्लाइंग बीच गौरव भाई ने जितनी मेहनत करी है व्लॉगिंग को लेके क्योंकि सीरियसली चलो नॉर्मली बोलते हैं चलो ठीक है YouTube कर रहे हो ओके बट वो बंदा IIT खड़गपुर वही जॉन अब्राहम ने बात हाँ, करने की सबसे बड़ा तो वही वो है कि वो अपने आप में वो बहुत एडमायर करते हैं इस चीज को एक चीज वो हाँ। करे ना अगर हम लॉबी कर रहे हैं IIT भी प्लस वो पायलट है वो अच्छा था कि पापा ने बोल दिया बेटा अब तो जहाज उड़ाता है तो बाइक का क्या करें इन्होंने इतनी मेहनत करी है लाइफ में मैं बता नहीं सकता कि ये बोलते हैं सबसे
जो डेडिकेशन ये लगता है ना कि वो इतनी हंसी खुशी अपना ब्लॉग बनाते हैं, एक हैपनिंग ब्लॉग, आप कनेक्टेड फील कर सकते हो उनके साथ हमेशा, जो भी छोटी छोटी चीजें वो बताते हैं और जिस तरीके से फैमिली को लेकर आगे चलते हैं ना, क्योंकि जितना मतलब जैसे रशि के टाइम पर भी और अभी खुशी के टाइम पर भी जो वो ब्लॉगिंग थी ना, इवन फर्स्ट क्राई उनकी ऑडियंस तक, उन्होंने अपने दोनों बच्चों का फर्स्ट क्राई तक पहुंचाया, जब वो बच्चा एकदम पैदा हुआ जो रोया था ना, वो मतलब यार सीरियसली इतना, और यही चीज है कि कनेक्ट करके रखा है, कनेक्ट करके रखा, बहुत हार्ट टचिंग ब्लॉग था। प्लस जॉन अब्राहम कितने स्वीटली, ये जब दोनों मिले ना तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही दोस्ती यारी बहुत पहले से। मैं ये चीज समझ गई, मतलब मैंने व्लॉग में देखा कि जैसे हेलो करो, वो नर्वसनेस दोनों साइड से थी शुरू में, फिर एकदम कूल हो गए दोनों, और जैसे कि दोस्ती का जिगरी होते ना वैसे सारी बातें चल रही, सुट्टा नहीं मारते, नॉन वेज भी नहीं खाते ना, बस अभी तो एग और फिश पे चल रहे थे, सिगरेट विगरेट कुछ नहीं करते, और फिटनेस आपने देखी है दोनों की, गौरव भाई हो गए, जॉन भाई हो गए, और इन्होंने मतलब ये आप इन दोनों को आइडल ले सकते हो अपनी लाइफ में कि आपको कुछ ना कुछ हासिल करना है लाइफ में, लेकिन आपको डाउन टू अर्थ हम्बल रहना है और कभी घमंड नहीं आना चाहिए आपके अंदर कभी किसी चीज का। जॉन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे चप्पल देखो ये पहनता हूं, मतलब बहुत ही यहां बाइक को पॉलिश करता है, आप मुझे बोलोगे बाइक दो दो में, मतलब देखा वो जैसे नॉर्मल पे था क्या, जैसे बहुत कूल सा था, टी शर्ट डाली है ऐसी, मतलब स्लीपर बहुत ही नॉर्मल उसमें था, ना पार्टीज में आते ना कुछ, कह रहे लोग बुरे नहीं है, लेकिन पार्टीज वाला सुना है मैंने कि कईयों का नेचर होता है कि जो है पार्टीज नहीं अटेंड करना, और वो कह रहे हैं मेरे को बाइक दे दो मैं उसके ज्यादा खुश हूं, साफ करके ये चीज होती है, वो शुरू से ही 6-7 साल की उम्र से बोला ना कि मुझे बाइक से बहुत प्यार था, और वो आप देख भी सकते हो क्या मतलब, वो क्लीनिंग अपनी बाइक का भी खुद ध्यान रखते हैं, हर एक चीज, टायर वाले शैम्पू वाली बात की मस्ती है, इसका शैम्पू भी करते हैं, बहुत ही स्वीट व्लॉग था। और अभी नेक्स्ट व्लॉग जो है इनका वो मोटो व्लॉगिंग पर है, उस पर भी रिएक्ट करेंगे आप लोग के लिए दोस्तों, कल उस पर रिएक्शन लेके आएंगे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब क्या बोलते हैं ऐसे नए नए लोगों से जब मिलते हैं ना गौरव भाई, और फिर हम लोग उनके जरिए हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी वो क्या बोलते हैं फैमिलियर हो पाते हैं, ओबामा से बराक ओबामा से, ये एक बोलते हैं आप देख रहे हो क्या बोलते हैं एक ये जो बात थी ना एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से एक इंसान जब उठता है तो उसमें कहीं ना कहीं झिझक हमेशा रहती है, प्लस वो बहुत सारी चीजें हैं कि वो अपनी डिग्निटी हमेशा इस तरह से मेंटेन करके चलता है, क्योंकि कितना तू खुद देखी कितने ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा है, कितना ज्यादा, और घर से लेकर उनसे मिलने तक का सफर जो दिखाया, जैसे जूता काट रहा था हल्का हल्का पैर, होटल पहुंचे व्यू दिखाया, मन्नत दिखाया, अपना पर्सपेक्टिव दिया, ओवरऑल पूरा हैपनिंग, बॉम्ब गिराने से इधर से, इधर से बॉम्ब के ऊपर पानी, जो वहां पे कमोड दिखाई थी सो स्वीट ऑफ हिम कि मतलब इतने मतलब छोटे से ब्लॉक के अंदर भी हमें एक दुनिया देखने को मिल जाती है, कभी ट्रैवल होता है जैसे कि इतना पर्सनली हमने जॉन का कोई ऐसा वाला नहीं देखा जिसने मैं इतना डीप बहुत ही रफ कैजुअल, हां मैं ऐसा लगा कि बिल्कुल एकदम जैसे साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ही स्वीट ब्लॉग था, मैं कहूंगा एक दोस्ती फ्रेंडशिप काइंड ऑफ ब्लॉग देखने को मिला, जिसमें कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज दो हैं और वो आपस में इतने कूल है, पहली बार मिलने के बाद भी इतने फ्रेंडली हो गए, और ऐसा नहीं था कि कुछ भी वो फॉर्मल तरीके से बातचीत चल रही थी, बहुत ही नेचुरल जैसे दोस्ती बैठते और बता सिगरेट कब पीती लास्ट, ऐसे मस्त था। आई एम श्योर आप लोग को भी कुछ ना कुछ, भाई देखो मस्ती मस्ती में ही आपको ये चीज सीखने को मिली कि अल्कोहल सिगरेट इनसे दूर रहो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको हेल्थ मैटर करती है, हेल्थ फिटनेस मैटर करती है। तो आपको कैसा लगा व्लॉग, और क्या कुछ आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, कुछ भी आप बताना चाहते हो, किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो, जरूर बताना कमेंट करके, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।